कमलनाथ सरकार पर खतरा बरकरार है। ऐसे में सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मध्य प्रदेश के विधायकों से अपील की है कि जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन सिख कत्लेआम के आरोपी कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाएं। सिरसा ने कहा कि आप कमलनाथ को हटाएं, उसे तिहाड़ जेल तक हम पहुंचाएंगे। सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ में लगे मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मध्य प्रदेश के सभी विधायकों से हाथ जोड़ के अपील की है और कहा है मुख्यमंत्री कमलनाथ 1984 के सिख कत्लेआम का आरोपी है, आप सभी मिलके उसे पद से हटाएं। एक वीडियो जारी करके मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, आप किसी भी दल से हो, किसी भी दल का मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन सिख कत्लेआम में शामिल रहे कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाएं। सिरसा ने कमलनाथ को सिखों का कातिल तक कहा। उन्होंने कहा, हमने कमलनाथ के खिलाफ इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। सिरसा ने कहा, आप इसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएं, हम इसे देश की राजनीति से हटा के तिहाड़ जेल भेजेंगे। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा मध्य प्रदेश के सभी विधायकों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, कमलनाथ जो कि आज वहां का मुख्यमंत्री है, ये बेगुनाह सिखों का कातिल भी है। 3 बेगुनाह सिखों को आग लगाकर मारा गया रकाबगंज साहिब के, और उसके अंदर कमलनाथ, उसके साथी विष्णु, ये सब लोग वो थे जो बहुत बड़ा मॉब लेके आए और बेगुनाह सिखों को जिंदा जला दिया। हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कमलनाथ के खिलाफ, और बहुत मुश्किल से कमलनाथ का वो केस 601/84 FIR जिसमें उस कमलनाथ द्वारा और उनके साथियों द्वारा बेगुनाह सिखों को मारने का मुकदमा दर्ज है, उसको खुलाने में कामयाब हुए हैं। इस केस में कमलनाथ यकीनी तौर पर जेल जाएगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, इस कातिल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे मत रहने। हम सभी सिख, हम सभी 1984 के पीड़ित, विशेष तौर पर सभी MLO से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाओ, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन कमलनाथ जैसा कातिल अगर मुख्यमंत्री बनता है तो ये हम सबके लिए डूब मरने के बराबर है। आज उसकी मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दें। कल कमलनाथ को कुर्सी से हटाएं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाओ, हम उसको देश की राजनीति से हटाएंगे, हम उसको तिहाड़ जेल में भिजवाएंगे, और उसको तिहाड़ जेल में उसको बेगुनाह सिखों की कत्ल की सजा के लिए आप हमारा साथ दें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।